हमने अपनी प्रैक्टिस में लास्ट 15 सालों में मतलब मोर देन 10,000 पेशेंट जो सिर्फ घुटनों के दर्द की वजह से आए हैं उनको ट्रीट किया, उनको ठीक किया हुआ है। अब एक चीज़ समझना इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पे आयुर्वेद काम नहीं करता है। मतलब एक ग्रेड 3 या फिर ग्रेड 4 जो स्टेज होता है घुटने का, जहाँ पे हड्डियाँ पूरी एक दूसरे के ऊपर पूरी चिपक गई है, अब यहाँ से उसको रिवर्स करना और वो भी ओल्ड एज में, लेटर एज में, ये बहुत मुश्किल होता है, वो हम नहीं करते हैं। तो अगर कोई करता हो तो वो उनका इंडिविजुअल क्लेम होगा, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल बात है। इस स्टेज में पेशेंट को ऑपरेशन ही करना पड़ता है, सर्जरी ही करानी पड़ती है, नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या करना हो वो बाद की बात है, लेकिन उसके पहले वाली जो बात है उसमें डेफिनेटली हम लोग बहुत सारी चिकित्साएं कर सकते हैं, ताकि आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आगे जाके ना करें, आपका घुटने का दर्द कम हो जाए और जो भी कुछ चेंजेस हुए हैं डिजेनरेटिव वो रुक जाए और कुछ हद तक हम उसको पीछे भी लेके आए। हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हड्डियों में घिसाव पैदा हुआ है, कभी कभी सिर्फ मसल्स में वीकनेस होता है, कभी कभी लिगामेंट में प्रॉब्लम होता है, कभी कभी साइनोवियल मेम्ब्रेन में होता है, कभी साइनोवियल फ्लूइड में होता है, अलग अलग लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सब एक बार प्रिसाइजली डायग्नोस हो जाए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है और हम उसको हिट करें, तो वो होना ही होना है, इसके बारे में कोई साशंकता बिल्कुल नहीं है। पहले तो हम उसकी ट्रीटमेंट के बारे में जब बात करते हैं तो ये देखते हैं कि ये प्रकार का घुटनों का दर्द पैदा ही ना हो, उसके लिए हम क्या करें। मतलब समझो आज 30s में 40s में जो लोग हैं वो 60s के लोगों को जब देखते हैं कि उनको अभी घुटने का दर्द शुरू हुआ है, 70s के लोगों को घुटनों का दर्द शुरू हुआ है, मेरा ये सवाल है कि 30s में जो है लोग हैं, 40s में जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं कि मेरी भी ये नौबत ना आए, मेरे घुटने उस उम्र में मुझे भी दर्द ना हो, इसके लिए ये लोग हम लोग क्या कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे पेशेंट्स को मैंने जब ये पूछा तो मुझे ये समझ में आता है कि पर्टिकुलरली घुटने का केयर के लिए ऐसा कुछ किया नहीं जाता है। तो उसमें पहले हम ये समझ लेते कि कोई भी बीमारी ही पैदा ना हो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा लाइफस्टाइल, कि हम सुबह कितने बजे उठते हैं से लेके कितने बजे सोते हैं, ताकि हमारा वात पित्त और कफ तीनों भी बैलेंस में रहें और किसी भी हालत में अपना वात शरीर में ज़्यादा ना बढ़े, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो दूसरी बात है खाना पीना, तो हम लोग क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। फिर वो इतना बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि फिर हड्डी के लिए मैं ये खाऊं, जॉइंट के लिए ये खाऊं, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो इंडियन ट्रेडिशनल खाना पीना है बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही कंपोज्ड है, बैलेंस्ड है। जो हमने डिसाइड किया हुआ कि प्रोपोर्शन दाल का कितना होना चाहिए, घी का कितना होना चाहिए, रोटी का कितना, राइस का कितना, ये बहुत ही प्रोपोर्शनेट है, उसमें हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा ऐसे होता है जब हम कुछ ऐसा देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्प्राउट्स में ज़्यादा विटामिन्स है, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, इसलिए उसको ज़्यादा खाते जाए, तो उसमें एक्चुअली वो बहुत वात बढ़ाने वाली चीज़ होती है स्प्राउट्स, तो वो एक्चुअली दर्द को बढ़ाएगी। काफ़ी सारे लोगों को इसका अनुभव भी होगा कि स्प्राउट्स खा लिया, 2 दिन में वापस शुरू हो गया। सो इसीलिए ये इस झंझट में जाना ही सही नहीं है कि हमें पर्टिकुलर एक चीज़ देखे, बादाम हो या फिर अखरोट हो, इसमें ज़्यादा प्रोटीन है, इसमें ये है, इसलिए हम उसको ज़्यादा सेवन करें, ये नहीं होना चाहिए। तो खाने पीने में हम लोग जो अपना ट्रेडिशनल फूड है उसको एक रिस्पेक्ट दें और उसको फॉलो करें, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वेट मैनेजमेंट। मतलब आपके शरीर का पूरा भार जब घुटने पे है और आपका अगर बॉडी वेट बढ़ जाता है तो डेफिनेटली वो पूरा भार उसके ऊपर जाएगा और वो डीजनरेशन और जल्दी बढ़ेगा, इसलिए वेट को आप हमेशा मेंटेन करते रहें। वेट को कैसे मेंटेन करना है उसके ऊपर हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है मसल स्ट्रेंथनिंग। आयुर्वेद में मैंने पहले भी कई बार कहा है कि आयुर्वेद में एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई है, वो है अभ्यंगम आचरित नित्यम। मतलब रोज़ अभ्यंग करना चाहिए, वो सिर्फ दिवाली टू दिवाली नहीं होना चाहिए, रोज़ तेल लगाना चाहिए। जब हम ऐसा सोचते हैं कि हमें रोज़ पूरे शरीर को लगाना पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आप जॉइंट्स को लगा लीजिए, सिर्फ जॉइंट को लगा लीजिए, क्योंकि जॉइंट ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं तो सर पे लगाइए और घुटने के नीचे पैरों पे लगाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वात बढ़ने वाली अगर कोई चीज़ है वो है घुटने और पैर।
क्योंकि इसका मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है। तो तेल कम से कम घुटने से लेके नीचे तक लगाए रोज, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं। आप बाथरूम में बैठ के नहाने से पहले भी लगा ले और बात नहाते समय उसको धो ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं वो तो तेल फिर हमने लगाया वो तो 5 मिनट में निकल गया, फिर उसका क्या फ़ायदा है। ऐसा नहीं है, हम जब तेल लगाते हैं तब वो तेल लगाने के बाद उसको हम कितने टाइम उसको रब करते हैं, कितने टाइम हम उसको मालिश करते हैं, वो मैटर करता है तेल के एब्सॉर्प्शन के लिए। वो कितना टाइम तेल वहाँ पर रहता है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो इसलिए आप नहाने से पहले तेल लगाएं और फिर उसके बाद नहाएं रेगुलरली। ये एक सिंपल सी चीज़ है जो आपके घुटने को लॉन्ग टर्म बचा सकता है। उसके बाद है पर्टिकुलर एक्सरसाइज और योगासन, मतलब कौन सी पर्टिकुलर योगासन है जो आप करेंगे तो घुटने का स्ट्रेंथनिंग हो जाएगा वो आप समझ लें। और सिंपल सी एक्सरसाइज है जो करने में आप मतलब ऑफिस में बैठे बैठे कर सकते हैं, जैसे आप कुर्सी पर बैठे हैं तो आपको सिर्फ ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो ये सिंपल सिंपल एक्सरसाइज है, हर 2 घंटे में 1 घंटे में करेंगे तो भी घुटनों का एक्सरसाइज, घुटनों को ऐसे सीधे बैठ के खिंचाव करना, कई सारी ऐसी सिंपल टेक्निक्स हैं जो आपको, लेकिन आपको उसके लिए कॉन्शियस होना ज़रूरी है। हाँ, मुझे मेरे घुटने 60s में जाके ख़राब नहीं होने चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। तो ये तो प्रिवेंशन के लिए तेल लगाना, रेगुलरली राइट एक्सरसाइज करना, जो भी आहार है आपका, लाइफस्टाइल है उसको बराबर रखना, ये एक चीज़ हो गई। अब एक पार्ट आता है आपके मेडिसिन का, फिर आपको कौन से मेडिसिन खाने चाहिए तो आपको मतलब ज़्यादा हेल्प करेगा कि वो आपके घुटने बचाएगा वगैरह। अब ये तो पूरा का पूरा बात है आपकी कंसल्टेशन के ऊपर। आप अपने डॉक्टर के पास जाके आप कंसल्ट करिए कि आपके लिए क्या सूटेबल है। ज़रूरी नहीं है कि समझो कोई गूगल है, कोई घी बेस्ड मेडिसिन है वो एक को काम आएगा तो सभी को काम आएगा। तो आपका बॉडी टाइप क्या है, आप क्या काम करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, वेदर क्या है, आपका एज क्या है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, उसको देख के फिर वो सप्लीमेंट जो है वो लेना चाहिए।